हाय गाइस, दिस इज द अनुपम सर। पॉलीमर्स का चैप्टर मैं आपके लिए बच्चों लेके आ गया हूं। बायोमोलिक्यूल्स के साथ इसको कर लेते हैं। तो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स का हमने पूरा खत्म कर लिया था, साथ में अब ये पॉलीमर्स वाला चैप्टर इंडिपेंडेंट चैप्टर है वैसे तो, ऐसा कोई बात नहीं, बायोमोलिक्यूल्स के साथ जुड़ा ही है, बट इसके जो क्वेश्चन है जो काफी हद तक आपके जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल आपको चीजें जो याद होनी चाहिए, साथ में कुछ कंसेप्ट भी यहां पर इन्वॉल्व है, तो वो कंसेप्ट यार मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा भी दूंगा, और साथ में जो हमारे पास याद रखने वाली चीज है वो भी मैं बता दूंगा कि यार तुम्हें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन। और यहां पर बच्चों ये जो आपका चैप्टर है पॉलीमर्स, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और वैसे बच्चों यहां पर ये आपकी पूरी अनअकैडमी जेई की टीम है जो आपके लिए अमेजिंग क्वालिटी लेक्चर्स बनाती है, और इस सारे के सारे लेक्चर्स बच्चों हमने यहां पर livedaily.me/jee इस लिंक के ऊपर जो है वो कोलेक्ट कर रखे हैं। इसका मतलब ये आपकी एक वीडियो बुक है जिसको आप यूज कर सकते हैं, और इस वीडियो बुक को यूज करके सर्टेनली तुम्हें डिफरेंस पता लगेगा किसमें, अपनी प्रिपरेशन के लेवल में। ये इंडिया की बेस्ट वीडियो बुक है टू प्रिपेयर फॉर आईटीजे। पर अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम जो है हमसे लाइव क्लास एनवायरमेंट में पढ़ना चाहते हो, जैसे नॉर्मल स्कूल्स के अंदर पढ़ते हो कंटिन्यूअस इंटरेक्शन करते हुए, बिकॉज वो तुम्हें इंटरेक्शन जो है कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, तो बच्चों आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जहां पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, और इन टीचर्स से पढ़ने का मौका भी यार बहुत ही नॉमिनल फी के अंदर आपको मिल जाता है। आप शॉर्ट टर्म सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप 2021 में फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, या फिर बच्चों आप लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप पूरी अपनी तैयारी जो है इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ करना चाहते हैं, वो भी लाइव क्लास एनवायरमेंट, लाइव क्लास एनवायरमेंट और साथ में बहुत सारे टेस्ट वगैरह जो होते रहते हैं, वेयर अल्टीमेटली तुम्हें अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। एंड जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेगा अनुपम लाइव कोड यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये मेरा कोड है, और अगर आपको ये वाली क्लासेस मेरी पसंद आती हैं तो अनुपम लाइव कोड यूज करते हुए आप यहां पर जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही बच्चों जो स्पेशल क्लासेस है उनको भी रेगुलरली अटेंड करते रहिए। ये मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक है tinyurl.com/anupamspecial, ये बिल्कुल फ्री होती है, इनको भी अटेंड करिए, इसमें भी मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको कराता हूं, ठीक है। चलिए गाइस, So, यहां पर बच्चों पॉलीमर्स जो चैप्टर है ये अब हम करने वाले हैं। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं रिमूव रिमूव रिमूव, बेटा बात ये है कि यार ये जो चैप्टर है ठीक है आपके पास जो लेक्चर्स होते हैं उनका एक पार्ट है, और इसमें से कुछ भी चीज अगर उठ के आके आपके पास तो आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए 2021 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो 2022 वाले हैं 2023 वाले हैं वो तो इस चैप्टर को बिल्कुल जरूर पढ़े, बिकॉज यार वहां पर तो आने ही है, ठीक है। तो इस चैप्टर को छोड़ने का कोई ऐसा मतलब नहीं है, मैं आपको यहां पर करा रहा हूं, अगर आपके पास टाइम है जरूर करिए, पर आपको लग रहा है कि टाइम बिल्कुल नहीं है सर अब, तो फिर आप फिर भी जो है इसको छोड़ सकते हैं। तो बच्चों ये जो हमारे पास पॉलीमर्स चैप्टर है, पॉलीमर्स चैप्टर में जल्दी से मैं आपको बता देता हूं पॉलीमर्स किससे बोलते हैं, इसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो बच्चों पॉलीमर्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि काफी बड़े होते हैं, सो दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं ये छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स थ्रू पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, ठीक है, थ्रू पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। तो हमारे पास बच्चों पॉलीमर्स जो होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू पॉलीमर्स आपके जो हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइजेशन के थ्रू आपके पॉलीमर्स क्रिएट करते हैं, विचार योर लार्ज मॉलिक्यूल्स, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक छोटा मॉलिक्यूल है ए, ठीक है, और ए के बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मतलब हजारों लाखों, ठीक है, लाखों लाखों आपके ए जो है वो पड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों कितना भी नंबर बोल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बस बड़ा नंबर होना चाहिए, है ना, छोटा नंबर मत लेना, बड़ा नंबर लेके चलना। तो हमारे पास ठीक है लाखों करोड़ों कितना भी नंबर बोल सकते हो ए मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो नंबर है उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल अपने बीच में क्या बना लेते हैं, एक नया बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, अपने बीच में क्या बना लेते हैं, एक नया बॉन्ड बना लेते हैं, और ये जो लंबी चेन है ये आपकी चलती जा सकती है कितने भी हजारों लाखों मॉलिक्यूल तक। इतनी लंबी लंबी चेन्स में जब ये एक छोटा मॉलिक्यूल जो है बन जाता है ना, इतनी बड़ी बड़ी चेन्स बना लेता है, इस तरह के लंबी सी चेन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर यूनिट,
ठीक है, इसको एक पॉलीमर यूनिट बोलेंगे, ठीक है। और ये पॉलीमर यूनिट जो है, ये जो आपकी पॉलीमर यूनिट है, ये जो आपकी बच्चों पॉलीमर यूनिट होती है, ये पॉलीमर यूनिट कितनी भी आपके पास बड़ी हो सकती है, साथ में ऐसी बहुत सारी पॉलीमर की यूनिट, बहुत सारी पॉलीमर यूनिट आपको एक जगह मिल जाएगी, ताकि आपको दिखे कि यार हाँ ये हमारे पास जो है कुछ पॉलीमर का कंपाउंड क्रिएटेड है। और ये चैप्टर जो है ना बच्चों, ये जो चैप्टर है ये मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से। बिकॉज क्यों, मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे आसपास आज हम देखें ना, इतनी सारी चीजें पॉलीमर्स की बनी होती हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हमारे आसपास पॉलीमर्स की बनी होती हैं, ठीक है। बनी हुई का ये मतलब बोल रहा हूं कि आर्टिफिशियली बनी हुई होती है, है ना, जैसे इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है। और यहां पर बच्चों बहुत सारी चीजें जो हम पॉलीमर्स के फॉर्म में यूज करते हैं उनको जनरली प्लास्टिक्स बोल देते हैं, ठीक है, जनरली क्या बोल देते हैं, प्लास्टिक्स। तो आप अपने आसपास जो है देख के ये बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कितनी चीजें अपने आसपास अपने रूम में प्लास्टिक की दिख रही हैं, है ना, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार, कितनी सारी चीजें जो है तुम्हें जो है प्लास्टिक की दिख रही है, देखा बताओ जल्दी से। आप देखोगे यार अपने आसपास अगर आप ऑब्जर्व करो, इतनी सारी चीजें आजकल प्लास्टिक की हो गई हैं कि इनफैक्ट जो आज का मॉडर्न बच्चों वर्ल्ड है वो प्लास्टिक वर्ल्ड कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, एक्चुअली प्लास्टिक वर्ल्ड कहलाता है। सो पहले जो है हमारे पास, आपने सुना होगा कि एक स्टोन एज होती थी, ठीक है, स्टोन एज के अंदर क्या है, इंसान जो है स्टोन्स को यूज कर करके अपने टूल्स बनाता था। फिर हमारे पास क्या है, मेटल एज आई, मेटल एज के अंदर क्या होता है कि मेटल्स को यूज कर करके टूल्स बनाए जाते हैं। आज की जो बच्चों दुनिया है वो हमारी प्लास्टिक एज कहलाती है, बिकॉज आज की दुनिया में ये जो प्लास्टिक पॉलीमर्स का यूसेज है इतना ज्यादा है, हर जगह आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक देगा, इतना ज्यादा हो चुका है कि आपको पता ही है कि यार मतलब अब तो गवर्नमेंट बैन लगा देती है कि आप जो पतली वाली प्लास्टिक है उसको यूज नहीं कर सकते, बट स्टिल आप कुछ मंगाओ Amazon, Flipkart या डिलीवरी से मंगाओ, ठीक है, तो वहां पर तुम्हें देखेगा यार प्लास्टिक के अंदर रैप्ड आता है मस्त। तो वो मतलब इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है प्लास्टिक हमारे डेली लाइफ के लिए कि यार ये जो है आज हम छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है, छोड़ ही नहीं सकते। यस वेरी गुड, तो आप बता रहे हो यार, ठीक है, यहां पर कौन कौन क्या क्या बता रहा है, स्मार्टफोन, सब लोग स्मार्टफोन बना दें, ठीक है, सिर्फ एक स्मार्टफोन ही नहीं है प्लास्टिक के अंदर बहुत सारी चीजें, ठीक है, जैसे ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये जो पूरा बोर्ड बना हुआ है इसके अंदर बहुत सारा प्लास्टिक है, ये जो पेन है मेरा ये प्लास्टिक है, ठीक है, ये जो रिमोट है ये प्लास्टिक है, फिर आप जो अपना पेन यूज कर रहे हो वो प्लास्टिक है, ईयरफोन अगर यूज कर रहे हो वो प्लास्टिक है, कार में जाओगे कार के इंटीरियर्स जो है बहुत सारे प्लास्टिक के बने होते हैं, अपने फ्रिज देखोगे प्लास्टिक का होता है। तो बहुत सारी चीजें जो आप देखोगे ना बच्चों जो आपको आज मिलती हैं वो प्लास्टिक की मिलती हैं, ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे वो देख लो अपना ट्यूबलाइट से लेकर पेन से लेकर मतलब कार तक, कार से लेकर कुछ भी देख लो, सबके अंदर बहुत ज्यादा प्लास्टिक्स का यूज होता है। तो ये प्लास्टिक्स क्या होते हैं हमारे पास, पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, ये प्लास्टिक्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। सो यू कैन लुक एट दिस, यार ये हमारे पास क्या है, पॉलीमर्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दीज आर पॉलीमर्स, ठीक है, बात समझ में आ गई, यस, चलिए वेरी गुड। तो बच्चों अब जो हमारे पास पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है वो क्या होती है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस यही होती है कि यार तुम्हारे पास एक छोटा मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कुछ पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है, कुछ पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा जैसे प्लास्टिक का एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्या होता है, पॉलीथीन होता है, ठीक है, तो पॉलीथीन कैसे बना होता है, पॉलीथीन छोटे इथीन मॉलिक्यूल से बना होता है, पॉलीथीन जो होता है यार वो तुम्हारे छोटे इथीन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, इथीन का पॉलीमर इज पॉलीथीन, ठीक है, इथीन का पॉलीमर इज पॉलीथीन। अब इथीन से पॉलीथीन बनने में देखो क्या होता है, ध्यान से, हमारे पास ये जो बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, इसका पाई बॉन्ड जो होता है बच्चों वो ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक्स एंड टू न्यू सिग्मा बॉन्ड आर क्रिएटेड, ठीक है, दो नए आपके सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, ये हमारे पास दो कार्बन है, ठीक है, इसका पाई बॉन्ड हमने ब्रेक करा, यस, अब इसको इसी के तरह के और जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनके साथ ज्वाइन कर दिया, जैसे हमारे पास फिर ये हो गया, ठीक है, और
और दूसरे कलर से बना देता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं अलग अलग कलर से इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आए यार ये जो हमारे पास कार्बन जॉइंट हैं, ठीक है, ये अलग अलग इथीन के मॉलिक्यूल से आए हैं, ठीक है। ये जो अलग अलग कलर है ना, ये अलग अलग इथीन के मॉलिक्यूल से आए हैं, और ये चेन ऐसे रुकेगी नहीं, ये चेन आपकी लेफ्ट साइड पे चलती जा रही है हजारों कार्बन तक, ये राइट साइड पे चलती जा रही है हजारों कार्बन तक, लाखों कार्बन तक ये चलती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह की बच्चों जो हमारे पास यूनिट्स बनी, इनको हम पॉलीमर की चेन बोलेंगे, और ये जो है हमारे पास इथीन से बना हुआ पॉलीमर है, तो ये हमारा क्या है, पॉलीथीन कहलाएगा, ठीक है। इथीन से बना हुआ हमारा जो पॉलीमर है वो हमारा क्या है, पॉलीथीन कहला रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब देखो ये लेफ्ट साइड पे चलता जाएगा, राइट साइड पे चलता जाएगा, तो इसको डिनोट करने के लिए है ना, किसी पॉलीमर को डिनोट करने के लिए हमें जो है बार बार इतनी बड़ी चेन्स बनाने की जरूरत नहीं होती, हम उसको एक शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे दिखाया जाता है, ध्यान से देखो, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे दिखाएंगे कि यार ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इथीन मॉलिक्यूल से आए हुए दो कार्बन है। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड पे देखूं, ये हमारे पास इथीन से आए हुए दो कार्बन है, फिर और राइट साइड पे जाएंगे तो हमारे पास इथीन से आए हुए दो मॉलिक्यूल हैं, ये दो कार्बन हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ है ना, एक इथीन के मॉलिक्यूल से आए हुए दो कार्बन है। तो इस तरीके से हम यहां पर क्या करते हैं, रेदर देन शोइंग यार बहुत सारे हमारे पास कार्बन ऐसे जॉइन है, हम इसका एक शॉर्ट नोटेशन लिख देते हैं, ठीक है, इसका हम एक शॉर्ट नोटेशन लिख देते हैं। सो शॉर्ट नोटेशन कैसा हो जाता है, शॉर्ट नोटेशन यही हो जाता है कि आपका जो इतनी बड़ी चेन है उसके अंदर आपको कुछ रिपीट होता हुआ दिख रहा होगा, क्या रिपीट होता हुआ दिख रहा होगा, सीसी फिर सीसी फिर सीसी फिर सीसी, ये क्या हो रहा है, यहां पर रिपीट हो रहा है। तो जो हमारे पास बच्चों रिपीटिंग यूनिट होती है, रिपीटिंग यूनिट जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, तो रिपीटिंग यूनिट को हम लिखते हैं इस तरीके से, उसके जो बॉन्ड्स हैं बॉन्ड्स हम शो कर देते हैं, और बॉन्ड्स के बीच में से हम क्या है ब्रैकेट निकाल देते हैं, और फिर इसके एंड में हम क्या लिख देते हैं, एन, ठीक है। बात समझ में आई क्या, अगर हमने, ठीक है, यहां पर हमने बोला कि यार ये हमारे पास क्या है, रिपीटिंग यूनिट है, ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो गया, दो कार्बन जो थे उसके और ऐसे सिग्मा बॉन्ड बने हुए, ये बार बार हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो जो हम रिपीटिंग यूनिट होती है उसको लेके चल लेते हैं, उसके आगे एक एन लिख देते हैं, और ये हमारा इस पॉलीमर की क्या हो जाती है, शॉर्ट नोटेशन हो जाती है। आप समझ में आई? और यहां पर ये जो एन है बच्चों, ये एन जो है इसका कोई फिक्स नंबर नहीं होता, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं होता, ऐसा नहीं है आपको एक एन जो है वो याद रखना है कि यार पॉलीथीन के लिए एन क्या होता है, नहीं आपको याद नहीं रखना, दिस एन कैन बी एनीथिंग, दिस एन कैन बी एनीथिंग, ठीक है। ये एन जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है, ये हजार हो सकता है, लाख हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा पॉलीमर है, कौन सी वाली, मतलब कितने टाइम आपने जो है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कैरी आउट करी है, किस तरीके से कैरी आउट करी है, सो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये एन। और अगर जैसे मैं बात करूं बच्चों कि आपके पास सपोज है ना घर में यूज करते हो पॉलीथीन, घर में पॉलीथीन यूज करते हो, तो वो इस तरह की कार्बन की चेन से बनी होती है। तो एक जो हमारे पास चेन है कार्बन की इस तरीके से, और जो दूसरी कार्बन की चेन है जो आपके घर की पॉलीथीन में है, उसमें सेम नंबर ऑफ एन नहीं होगा, सब में अलग अलग नंबर ऑफ एन होगा। हाँ समझ में आ रही है? ठीक है यार, यहां पर जो है हमारे पास अलग अलग चेन्स के अंदर अलग अलग एन होगा, कुछ के अंदर जो है 100 हो सकता है, कुछ में 110 हो सकता है, कुछ में 120 हो सकता है, एंड सो ऑन। और इस तरीके से बहुत सारी चेन्स कंबाइन होकर आपको जो है एक बड़ा सा प्लास्टिक बनाती हुई दिखती है। ठीक है, जैसे यहां पर भी देख लो, ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है देखो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस का। ये देखो हमारे पास क्या है, इथीन है, दिख रहा है? तो यार इतने सारे जो इथीन है वो एक 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 करके देखो क्या हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे इथीन्स हैं वो एक एक करके देखो ऐड होते जा रहे हैं, और इस तरीके से बहुत सारे इथीन के जो लंबी लंबी पॉलीमरिक चेन है वो हमारी बन गई। ध्यान से देखो, यहां पर ये कनेक्ट हुआ, ठीक है, फिर ये कनेक्ट हुआ, ये कनेक्ट हुआ, ये कनेक्ट हुआ, एंड इस तरीके से कनेक्ट होता हुआ जा रहा है, और कनेक्ट होते हुए एंड में क्या बना लेगा, एक आपके पास एक लंबा सा चेन बना लेगा। ठीक है, ये देखो एक लंबी सी रेड कलर की चेन बन गई। इस तरह की बहुत सारी रेड कलर की चेन्स आपके पास आ गई, ये आपके पास पूरा का पूरा क्या बना देता है, पॉलीमरिक मास जो है वो क्रिएट कर देता है। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? यस, ठीक है। तो अब बच्चों हमारे पास ये एक बेसिक आइडिया आ गया कि पॉलीमर्स क्या कैसे होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं कैसे होते हैं, हम एक बेसिक आइडिया पता लग गया।
और जो पॉलीमर्स हैं यार वो हमारे आसपास बहुत जगह हमें देखने को मिलते हैं, सर आर सो मेनी पॉलीमर्स वी गेट टू सी। अब बहुत सारे जो पॉलीमर्स हैं यार वो अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, इंडस्ट्री में भी बनाए जाते हैं, नेचुरली भी मिलते हैं हमको, उन सबको क्या है हम क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपने बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ा हो बच्चों, उसके अंदर मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन दिखाया था, यार कार्बोहाइड्रेट्स को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर वहां पर जो है एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप उसको एल्डोसिस बोल देते हो, अगर कीटोन है तो कीटोसिस बोल देते हो, अगर 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सोसिस बोल देते हो, एंड सो ऑन, है ना। बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो हमारे पास अलग अलग तरह के पॉलीमर्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है, ध्यान से सुनो, क्लासिफिकेशन के कौन कौन से हमारे पास जो है तरीके होते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम बच्चों सोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलीमर्स को। सोर्स का क्या मतलब है, सोर्स का यह मतलब है कि आपको वो पॉलीमर कैसे मिला, क्या आपने वो फैक्ट्री में बनाया या फिर वो आपको नेचुरली मिला। नेचुरली कहां पर मिल जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि यार रबर से, जो रबर होता है ना नेचुरल रबर, वो पेड़ों से निकाला जाता है, सुना है ना, नेचुरल रबर क्या है, पेड़ों से निकाला जाता है। तो जो नेचुरल रबर होता है उसका सोर्स क्या हो गया, नेचुरल हो गया, ठीक है। जबकि जैसे मैंने आपको पॉलीथीन दिखाया, तो कभी ऐसा देखा है पेड़ में से पॉलीथीन निकला हुआ, है ना, पॉलीथीन जो है वो कभी भी पेड़ों पे तो नहीं उगता, वो क्या होता है फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो जो फैक्ट्री में बनाया जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंथेटिक बोल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से सोर्स के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसको मैं और डिटेल में कराऊंगा, सारे क्लासिफिकेशन के मेथड्स में डिटेल में कराऊंगा। तो पहला हमारा जो तरीका है जो क्लासिफाई करने का पॉलीमर्स का, वो हो गया सोर्स के बेसिस पे। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, क्या स्ट्रक्चर जो है पॉलीमर यूनिट का वो कैसा है, ठीक है। फिर हमारे पास बच्चों मॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या मतलब है कि यार पॉलीमर की एक यूनिट है दूसरी यूनिट है उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कैसे, इसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। फिर हमारे पास नेचर ऑफ मोनोमर्स आ जाता है, नेचर ऑफ मोनोमर्स आ जाता है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे यार मैं डिटेल में कराऊंगा, अभी चिंता मत करो, सब हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और कौन सा तरीका हो सकता है, और होता है हमारे पास मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये भी तरीका होता है। तो व्हाट इज मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब कि यार ये जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस मैंने तुम्हें समझाई वो किस तरीके से कैरी आउट की गई है, ठीक है, वो किस तरीके से कैरी आउट की गई है। तो बच्चों इस बेसिस पे हम जो अलग अलग पॉलीमर्स हमें मिलते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सोर्स के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे, नेचर ऑफ मोनोमर्स के बेसिस पे, और हमारे पास जो है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सो नेक्स्ट लेट्स गो टू डिटेल्स ऑफ द सोर्स, ठीक है, कि सोर्स के बेसिस पे हम किस तरीके से पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सोर्स की बात करें, तो अगर बच्चों हमारे पास सोर्स की बात आती है तो हम सोर्स के अंदर बोलते हैं कि सोर्स के बेसिस पे हम पॉलीमर्स को तीन उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं वो हमारे पास, वो होते हैं हमारे पास या तो नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स हमें दुनिया में नेचुरली मिलते हैं, जो हमारी नेचर है उसमें वो पॉलीमर्स हमें मिलते हैं। फिर हमारे पास बच्चों कुछ होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स मतलब ऐसे पॉलीमर्स जो कि नेचर में नहीं मिलते, जो आपको फैक्ट्री में बनाने पड़ते हैं। और फिर हमारे पास बच्चों होते हैं कुछ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, है ना। सेमी सिंथेटिक क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक वो होते हैं जो कि नेचुरल पॉलीमर्स को मॉडिफाई करके बनाए गए होते हैं। कैसे होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स को मॉडिफाई करके बनाए गए होते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल बच्चों, जिन्होंने बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको मैंने बता रखी है वाली बात कि बच्चों जो प्रोटीन्स हमें मिलते हैं नेचर के अंदर, जो प्रोटीन्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीअमाइड्स होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। जिन्होंने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रखा है उनको पता होगा जो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं हमारे पास, पॉलीअमाइड्स होते हैं। पॉलीअमाइड्स मतलब कि यार उनके अंदर क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड्स अमाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं, सो दोज आर पॉलीअमाइड्स। फिर हमारे पास बच्चों जो सेल्यूलोस होता है, स्टार्च होता है, ये भी हमने बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं पॉलीसैकेराइड्स।
ये क्या होते हैं पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड्स या फिर पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीकार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ हो, सो दोज आर योर पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, फिर हमारे पास जो रबर होता है बच्चों, ये हमें मिलता है नेचुरली। तो यार ये सब क्या है, ये नेचर में हमें मिलते हैं। अगर हम देखें क्या नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, सो ये हमें फाउंड इन नेचर फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट सोर्सेस, एनिमल और प्लांट सोर्सेस के अंदर ये हमें मिलते हैं नेचर में। ठीक है, ये बात समझ में आती है। सो दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे सेल्यूलोस का एग्जांपल मैं देता हूं, सेल्यूलोस पता है किससे बना होता है, सेल्यूलोस होता है पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज कैसा होता है बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरीके का हमारे पास मॉलिक्यूल होता है। यहां पर राइट साइड पे ओ एच होता है ऊपर, फिर एच होता है नीचे, फिर हमारे पास ओ एच एच होता है, फिर हमारे पास ओ एच एच होता है। ठीक है, फिर हमारे पास ओ एच और एच होता है, और यहां पर हमारे पास क्या होता है सी एच टू ओ एच होता है। ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, या फिर ग्लूकोपायरनोज भी बोला जा सकता है इसको। ये जो हमारे पास एक बीटा डी ग्लूकोज होता है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये एक मोनोमरिक यूनिट हो गई। ये क्या हो गई, ये मोनोमरिक यूनिट हो गई। मोनोमर्स क्या होते हैं, जैसे हमने बात करी ना क्या पॉलीमर, जैसे इथीन से बना हुआ है पॉलीथीन, तो ये जो हमारे पास छोटा वाला मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे कंबाइन होकर पॉलीमरिक बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं यार ये मोनोमरिक यूनिट है हमारे पास। ठीक है, मोनोमरिक यूनिट मतलब वो वाले आपके छोटे मॉलिक्यूल जिससे कंबाइन होकर आपके पास क्या होते हैं पॉलीमर्स क्रिएट होते हैं। तो अगर बच्चों हम सेल्यूलोज की बात करें, सेल्यूलोज जो होते हैं वो बीटा डी ग्लूकोज के क्या होते हैं पॉलीमर्स होते हैं। तो ये जो हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज है इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो सेल्यूलोज बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं, ठीक है, सो यहां पर ध्यान से देखो, एक बीटा डी ग्लूकोज कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। ठीक है, अब इस बीटा डी ग्लूकोज के अंदर जो है यहां पर जो OH था, ये वाला जो OH था, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का ये वाला जो OH था वो दूसरे मॉलिक्यूल के इस फोर्थ कार्बन के OH से जुड़ जाता है। ये हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। तो जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन का OH जो ऊपर जा रहा था वो फोर्थ कार्बन के OH से जाके जुड़ जाता है। ठीक है, और इस तरीके से क्या क्रिएट होता है हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास नए बॉन्ड क्रिएट होते हैं। नए बॉन्ड यहां पर देखो क्रिएट हो रहे हैं, पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, OH के अंदर O और H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और नए बॉन्ड यहां पर क्रिएट हो रहे हैं, उससे बना तुम्हारे पास क्या सेल्यूलोस का पॉलीमरिक यूनिट। तो ये हमारे पास एक सेल्यूलोस वाला यूनिट था। इसके अंदर बाकी OH में दिखा देता हूं, देखो यहां पर OH है, यहां पर OH है, ठीक है, यहां पर CH2OH, बात समझ में आ रही है। ठीक है, सिमिलरली इस वाले पे देखोगे तो यार यहां पर तुम्हारे पास ऊपर OH था, नीचे OH है, फिर ऊपर OH है, ठीक है, फिर तुम्हारे पास यहां पर COH यूनिट है। ये बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से यहां पर आपका सेल्यूलोस जो है वो नेचुरल पॉलीमर हमें मिलता है, और ये नेचुरली किसमें मिलता है, प्लांट्स और उसके अंदर मिलता है। ठीक है, ये नेचुरली हमें प्लांट्स के अंदर मिलता है। ठीक है, नेचुरली प्लांट्स के अंदर मिलता है। ये बात समझ में आ रही है। सो दिस इज अ पॉलीसेकेराइड, ये हमारे पास क्या होता है पॉलीसेकेराइड होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यार ये फर्दर ऐसे लेफ्ट साइड पे चलता जाएगा और ये राइट साइड पे चलता जाएगा। ठीक है, अब रेदर देन मेकिंग ऐसे बहुत सारे हम जो है कार्बन क्रिएट कर दें, कार्बन के जो है ग्लूकोज के जो है हमारे साइकिल क्रिएट करें, रेदर देन बहुत सारे ग्लूकोज इस तरीके से लिखने के, हम इसको शॉर्ट नोटेशन में लिख देंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसको शॉर्ट नोटेशन में कैसे लिखेंगे, यहां पर हम बोल सकते हैं कि यार जो रिपीटिंग यूनिट है ना हमारी, जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या है, रिपीटिंग यूनिट हम बोल सकते हैं कि यार यहां पर ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है वो हम रिपीटिंग यूनिट की तरह बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर तुम ये वाली यूनिट उठाओ, उसको राइट साइड पे डालते जाओ, ठीक है, या फिर उसको लेफ्ट साइड पे डालते जाओ, तो आपके पास पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा पॉलीमर क्रिएट हो जाएगा। ये कुछ उसी तरीके से ध्यान है, जैसे सॉलिड स्टेट में हम बोलते हैं ना यूनिट सेल,
सॉलिड स्टेट अगर आपने पढ़ा है तो बच्चों, तो वहां पर हम कुछ बोलते हैं यूनिट सेल। तो ये क्या है, ये आपका छोटा सा यूनिट, वो कुछ यूनिट सेल की तरह ही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये किसकी तरह है? सिर्फ आपके यूनिट सेल की तरह। यूनिट सेल्स को क्या करते हैं हम, अगर आगे पीछे चलाते जाते हैं तो हमारे पास क्रिस्टल जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो अगर हमें जो है सेल्यूलोस का शॉर्ट नोटेशन लिखना हो, तो सेल्यूलोस का शॉर्ट नोटेशन कुछ इस तरीके से लिख देंगे कि यार ये हमारे पास जो है ओ है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा वाला है, ये कुछ ऐसे है, ठीक है, फिर हमारे पास नीचे ओ एच जा रहा है, फिर हमारे पास ओ एच ऊपर जा रहा है, फिर हमारे पास नीचे जा रहा है, एंड देन हमारे पास सी ओ एच जो है वो यहां पर है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रैकेट में चला गया, और यहां पर हम लिख देंगे एन। एन का मतलब कितना भी हो सकता है, ठीक है, एन का क्या है, एन का मतलब आपका कितना भी हो सकता है। यस, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास इस तरीके से एक रिपीटिंग यूनिट हो गई। ये हमारी क्या है, रिपीटिंग यूनिट है, और ये रिपीटिंग यूनिट आपकी जो है बार बार अगर आप करते जाओगे तो ये आपको पूरा का पूरा पॉलीमर दे देगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है वाली बात। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गए, ये हो गए हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स। इसके एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे होते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जैसे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो कि आपके नेचुरल पॉलीमर्स को मॉडिफाई करके बनाए होते हैं। इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे हमारे पास सेल्यूलोस एसीटेट। सेल्यूलोस एसीटेट बना होता है सेल्यूलोस के मॉडिफिकेशन से, ठीक है, जो हमारे पास सेल्यूलोस होता है ना, जो हमारे पास सेल्यूलोस होता है, ठीक है, उसको अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करें, किससे ट्रीट करें, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तो वो क्या क्रिएट करता है हमारे पास, वो क्रिएट करता है हमारे पास सेल्यूलोस एसिटेट, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करके सेल्यूलोस से हमें मिलता है सेल्यूलोस एसिटेट। सेल्यूलोस एसिटेट किस तरीके का दिखेगा, सेल्यूलोस एसिटेट में हम बोलेंगे कि देखो ये जो हमारे पास नॉर्मल सेल्यूलोस होता है वो हमने कैसा बनाया, वो हमने कुछ इस तरीके का बनाया, ठीक है, यहां पर हमारे पास OH था, यहां पर हमारे पास OH था, यहां पर हमारे पास COH था, यस। सो आपको बताया बच्चों कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का एल्कोहलिक ग्रुप होता है ROH, ROH पे अगर हम क्या डालते हैं, इस तरीके से एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं, ठीक है, तो क्या क्रिएट करता है, ये वाला ऑक्सीजन जो है वो यहां पर अटैक करके इसको हटा देता है, क्या क्रिएट करता है हमारे पास, एक एस्टर जो है वो क्रिएट कर देता है, या फिर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ROAC के फॉर्म में भी लिख देते हैं, ठीक है, ROAC के फॉर्म में भी लिख देते हैं, यस। तो अब देखो यहां पर अगर हमने इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करा तो क्या होगा, ये वाले जो OH है बच्चों, ये वाले OH इस प्रोसेस के अंदर क्या है, रिएक्ट कर जाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, और क्या क्रिएट करते हैं यहां पर क्रिएट करते हैं OAC यूनिट्स, ठीक है, क्या क्रिएट करते हैं यहां पर, OAC हमारे पास यूनिट्स जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में इसको AC भी लिखा जा सकता है अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो, यस। और इसको अगर मैं ब्रैकेट में डाल के इस तरीके से लिख देता हूं N, दिस शोज ये हमारा क्या है, दिस शोज क्या, ये हमारे पास एक रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक रिपीटिंग यूनिट है, और ये यूनिट जो है वो रिपीट होती जाएगी और आपका पूरा मॉलिक्यूल आप इससे जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो गया, और ये पर्टिकुलर एग्जांपल किसका है, ये है सेल्यूलोस एसीटेट का, ये हो गया हमारे पास किसका, सेल्यूलोस एसीटेट का। अब सेल्यूलोस एसीटेट जो है उसको मार्केट में किस नाम से जाना जाता है, उसको मार्केट में रेयॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मार्केट में जाओगे ना अगर खरीदने तो तुमने सुना होगा नायलॉन का कपड़ा, रेयॉन का कपड़ा, सुना है ना, कपड़े होते हैं हमारे पास नायलॉन का कपड़ा, रेयॉन का कपड़ा। तो ये नायलॉन और रेयॉन जो वर्ड हैं वो मार्केट में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, है ना, ये क्या होते हैं, हमारे ट्रेडमार्क्स होते हैं, जो कंपनीज इस तरह के पॉलीमर क्रिएट करती हैं तो उनके बेचने के, मार्केट में बेचने के कुछ ट्रेडमार्क वर्ड होते हैं। तो जो रेयॉन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है,
सेल्यूलोस एसिटेट का एक ऐसा वर्ड है जो मार्केट में यूज करा जाता है। बात समझ में आ रही है? यस। तो यहां पर इसका मार्केट नेम बच्चों हमारे पास क्या होता है? रेयॉन होता है। क्लियर है? उसी तरीके से सेल्यूलोस नाइट्रेट भी होता है। सेल्यूलोस नाइट्रेट किससे बनाया जाता है? सेल्यूलोस और इसको रिएक्ट करके विथ नाइट्रिक, ठीक है, हमारे पास तो क्या क्रिएट होता है? ध्यान से देखो, हमारे पास सेल्यूलोस नाइट्रेट कुछ इस तरीके का क्रिएट होगा। ठीक है, फिर यहां पर भी इस तरीके से NO2, इसको मैं चेंज कर देता हूं, ऊपर की साइड जाएगा ये हमारा, ठीक है, ये हमारे पास ऐसा हो जाता है, ये हमारे पास कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास क्या हो गया? कुछ सेल्यूलोस नाइट्रेट वाली यूनिट हो गई। तो ये भी हमारे पास जो है अवेलेबल होता है फॉर अदर थिंग्स। मार्केट में इसको ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, मार्केट में जो सेल्यूलोस एसिटेट है उसका बहुत स्पेसिफिक नाम है। जैसे आप यहां देख सकते हो, देखो कॉटन क्या होता है बच्चों? कॉटन बना होता है हमारे पास सेल्यूलोस से। कॉटन जो होता है वो होता है एसेंशियली सेल्यूलोस, ठीक है, तो ये नेचुरल कॉटन है। फिर रेयॉन, रेयॉन जो होता है वो सेल्यूलोस को मॉडिफाई करके बनाया गया होता है। दिस इज योर रेयॉन का कपड़ा, मार्केट में मिलता है। और एक होता है हमारे पास नायलॉन, ठीक है, एक क्या होता है हमारे पास, क्या होता है? नायलॉन। नायलॉन अगर देखोगे यार, नायलॉन जो होता है ये बच्चों हमारे पास क्या होता है? ये एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है। नायलॉन जो होता है वो होता है एक सिंथेटिक पॉलीमर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो यहां पर सिंथेटिक पॉलीमर नायलॉन ये किससे बना होता है? ये हम जो है बनाते हैं यूजिंग सर्टेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सर्टेन मॉलिक्यूल को यूज करके बनाया जाता है। जैसे कि नायलॉन जो बनता है बच्चों, नायलॉन 66, नायलॉन 66 एक मॉलिक्यूल है। नायलॉन 66 ये जो पॉलीमर है ये किससे बनता है? ये हमारे पास बनता है एडिपिक एसिड, ठीक है, और किससे बनता है ये? ये जो मॉलिक्यूल है एडिपिक एसिड, एंड ये हमारे पास है हेक्सामिथाइलिन 1.6 डायअमीन। क्या है ये? हेक्सामिथाइलिन 1.6 डायअमीन। ये इसको हम आगे भी डिटेल में स्टडी करेंगे यार। ये जो है मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास क्या है? मोनोमर्स है। ये हमारे पास क्या है? मोनोमरिक यूनिट है। इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया जाता है? नायलॉन 66 बनाया जाता है। ये कंप्लीटली क्या है? सिंथेटिक है। दिस इज कंप्लीटली सिंथेटिक, है ना, जैसे तुमने सुना होगा कभी मार्केट में जाके सिंथेटिक कपड़ा, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास एक सिंथेटिक कपड़ा बनाने का पॉलीमर का जो है तरीका होता है। नायलॉन 66 का आपका सिंथेटिक मॉलिक्यूल होता है, वो इन मोनोमरिक यूनिट से बना होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर अबाउट दिस? बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट हमने क्या बोला था कि जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि सोर्स कौन सा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया तरीका? नेक्स्ट हमारे पास ये तरीका हो गया कि जो पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इसका मतलब जो पॉलीमर की चेन है वो किस तरीके की है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ब्रांच्ड पॉलीमर्स का। ठीक है, हमारे पास ब्रांच्ड पॉलीमर्स होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, और हमारे पास हम देखेंगे यहां पर नेटवर्क जो पॉलीमर्स होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ब्रांच होते हैं, लीनियर होते हैं, और नेटवर्क या फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स जो हैं वो भी बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रांच पॉलीमर्स, लीनियर पॉलीमर्स या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ये जो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन का तरीका, ये किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर क्या है पॉलीमर का। ठीक है, अब जैसे ब्रांच का क्या मतलब है? ब्रांच का ये मतलब है कि यार तुम्हारे पास इस तरह से सपोज मोनोमर की यूनिट जो है वो चलती जा रही है। ठीक है, जैसे हमने बोला या नायलॉन के केस में, या फिर हमने बोला सेल्यूलोस के केस में, पॉलीथीन के केस में, इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो चलता हुआ जा रहा है। शॉर्ट में जैसे मैं यहां पर ए ए ए इस तरीके से दिखा देता हूं कि यार ये हमारे पास जो है मोनोमरिक यूनिट्स इस तरीके से जॉइंट है।
अब यहां पर क्या होगा, ये हमारे पास एक चेन जा रही है, फिर यहां पर हमारे पास इस वाली चेन पे एक ब्रांच हमने निकाल दी, ठीक है, क्या निकाल दी हमने, एक ब्रांच निकाल दी। सिमिलरली कहीं बीच में और ब्रांच हो सकती है, ये ब्रांच का साइज और ये ब्रांचिंग कहां पर है ये रैंडम होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रैंडम होता है, इसका कोई फिक्स साइज नहीं होता ब्रांच का कि ब्रांच का साइज क्या होगा या फिर ब्रांच के अंदर जो है आपके कितने मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं, इसका कुछ फिक्स नहीं होता। तो इस तरीके से अगर हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास एक लंबी सी चेन है, इसमें ये क्या निकली हुई है बच्चों, ब्रांचेस निकली हुई। अगर आपके पॉलीमर की चेन कुछ इस तरीके की हुई है ना, आपके पॉलीमर की यूनिट कुछ इस तरीके की हुई, तो आप यहां पर बोलोगे कि यार ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, ये है हमारे पास ब्रांच, और ये जो लंबी वाली चेन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेन चेन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यार ये जो पूरा का पूरा हमारे पास पॉलीमर का मॉलिक्यूल है इसको हम बोलेंगे कि यार ये ब्रांच्ड पॉलीमर है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। क्लियर अबाउट दिस, यस। चलिए नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आता है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर का ऑब्वियसली क्या मतलब हो जाएगा, लीनियर पॉलीमर का यही मतलब हो जाएगा कि आपके पास ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। लीनियर पॉलीमर का क्या मतलब होगा कि आपके पास ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास अगर नॉर्मल इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, लीनियर है, इसमें क्या है, कोई भी ब्रांच हमें नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ए ए आपकी यूनिट इस तरीके से ज्वाइंट है। फिर हमारे पास बच्चों हो जाता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। अब क्रॉस लिंक पॉलीमर के अंदर क्या होता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर में आपके पास मल्टीपल मेन चेन्स जो होती हैं, ठीक है, मल्टीपल जो मेन चेन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकती हैं। सो कनेक्शन आपका कुछ इस तरीके का हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस लिंकिंग, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस लिंकिंग। इसमें आपके पास जो है कुछ मेन चेन्स होंगी, ठीक है, इनमें कुछ ब्रांच निकली होंगी और ये ब्रांचेस उन्हें दूसरी मेन चेन से जो है वो ज्वाइन कर दी होगी, ठीक है, ये जो हमारे पास ब्रांचेस हैं वो दूसरे से ज्वाइन हो रही होगी। ये बात समझ में आती है। तो दिस इज आर व्हाट, दिस इज आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। इसके हम आगे और जाके एग्जांपल देखेंगे कि यार कौन से हमारे पास लीनियर मिल जाते हैं, कौन से ब्रांच मिल जाते हैं और कौन से हमें जो है क्रॉस लिंक मिल जाते हैं। बेसिक जो है नाम अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों जो हमारे पास ब्रांच्ड पॉलीमर्स होते हैं उनका एक एग्जांपल, ठीक है, वो जाता है जैसे एलडीपी, ठीक है। एलडीपी क्या होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, यस। लीनियर का एग्जांपल हमारे पास होता है जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। लीनियर का एग्जांपल जैसे हमारे पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो जाता है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, क्रॉस लिंक का एग्जांपल जैसे बेकेलाइट हो जाता है। अब बेकेलाइट एग्जैक्टली क्या होता है और इनके स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम बेसिक जो है इनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। जब हम इनके एक्चुअल मॉलिक्यूल जैसे बेकेलाइट का मैं आपको एक्चुअल जो है स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार ये हमारे पास क्या है, क्रॉस लिंक है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे हमें लिंकेजेस देखेंगे, अलग अलग चेन्स के बीच में क्या देखेंगे, लिंकेजेस देखेंगे। बात समझ में आ रही है, यस, क्लियर अबाउट दिस। चले गाइस नेक्स्ट हमारा होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अब ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर हम क्या देखेंगे, क्या जो हमारे पास अलग अलग पॉलीमर की यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास अलग अलग पॉलीमर की यूनिट्स होती हैं, जो हमारे पास लंबी लंबी चेन्स हैं उनके बीच में क्या इंटरैक्शंस है ना, उनके बीच में क्या इंटरैक्शंस। फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस में बच्चों हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं इलास्टोमर्स, ठीक है, फिर हमारे पास यहां पर आ जाते हैं फाइबर्स, फिर हमारे पास देयर आर समथिंग कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स,
ठीक है, और कुछ हमारे पास आ जाते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ठीक है, इलास्टोमर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग होते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे पास कि यार किस तरीके के हमारे मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास चेन्स हैं पॉलीमर्स की, उनके बीच में फोर्सेस हैं। जिसे हम, जैसे हमारे पास छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो जैसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोल देते ना, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे कैसे होते हैं, वैंडरवॉल फोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद डायपोल फोर्सेस देखने को मिलते हैं, देन हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये क्या है हमारे पास बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या फोर्सेस है, अभी छोटे छोटे मॉलिक्यूल पॉलीमरिक यूनिट बनाते हैं, उनके बीच में क्या फोर्सेस होते हैं, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं आइदर एज इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिक। ठीक है, चलो अब हम इलास्टोमर्स को यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इलास्टोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो इलास्टोमर्स बच्चों हमारे पास, इलास्टोमर्स क्या होते हैं ध्यान से सुनो, इलास्टोमर्स जो होते हैं वो ऐसे हमारे पास पॉलीमर्स हैं जिनकी पॉलीमर चेन्स के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जिसको हम जैसे नॉर्मल वैंडरवॉल फोर्स होता है ना, वैंडरवॉल फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो दे इलास्टोमर्स आर दोज इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक। ठीक है, द पॉलीमर चेन्स आर जॉइंड बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, सो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से हो जाते हैं हमारे पास, जैसे कि क्या है हमारे पास, वैन डर वाल फोर्सेस हो गए। ठीक है, सो वैन डर वाल फोर्सेस हमारे पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गए। यस, ये बात समझ में आती है। ठीक है, सो वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से अगर हमारे पास है, ठीक है, यहां पर, तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो है इलास्टोमर्स उनको बोलते हैं। और देखो इलास्टोमर का जो मतलब है, ठीक है, इलास्टोमर का जो मतलब है, इलास्टोमर का बेसिक मतलब क्या होगा, ठीक है, इलास्टोमर का बेसिक मतलब यही होगा कि यार वो इलास्टिक हो सकते हैं, है ना, वो क्या हो सकते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं, इजंट इट, क्या हो सकते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं। यार यहां पर क्या हुआ बेटा, कुछ लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि सर ये तो हमारे पास फोर्थ में ही नहीं है, है ना बेटा, जब जो है आपको पॉलीमर का क्वेश्चन, ठीक है, एडवांस में आएगा ना, क्योंकि एडवांस में आएगा, ठीक है, तो आप सोचोगे कि अच्छा हो अनुपम सर से पढ़ लिया, हम तो इसको छोड़ गए थे। ठीक है, तो यार ये जो है मैं आपके भले के लिए पढ़ा रहा हूं, बिकॉज मैं तो एडवांस के लिए चाहता हूं यार, मैं चाहता हूं कि तुम लोगों का आईआईटी में सिलेक्शन हो। ठीक है, मेरा ये थोड़ी ना कि यार बोर्ड्स में तुम्हें पास करवाना है, ठीक है, बोर्ड्स में तो पास हो ही जाओ। ठीक है, ये जो है तुम्हारा चैप्टर, ये तुम्हारा एडवांस के अंदर आएगा, तो एडवांस के लिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, तो यार ये जो रोना धोना जो है अब आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस की मेहनत मतलब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एडवांस में ऐसे नहीं हो जाता। चलिए गाइस, सो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, यहां पर हम बोल रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम बोल रहे हैं कि यार इलास्टोमर्स क्या होते हैं, इलास्टोमर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ठीक है, दे आर इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक मतलब इनको अगर आप स्ट्रेच करोगे तो वापस से अपने फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल एग्जांपल बच्चों, जैसे हमारे पास रबर्स हो जाते हैं। ठीक है, रबर जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि इलास्टिक होते हैं नेचर। अब रबर जो है वो हमें नेचुरली भी मिलता है, और रबर्स जो है वो हम सिंथेटिकली भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, पर आप जानते हो कि जो रबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसेंशियली रबर्स आर इलास्टिक इन नेचर्स एंड रबर्स आर पॉलीमर्स। ठीक है, रबर्स आर पॉलीमर्स एंड दे आर इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, तो ये आपके पास नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, एंड दे आर इलास्टोमर्स। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर बच्चों हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास हो गया फाइबर्स। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट याद है फाइबर्स। तो फाइबर्स हमारे पास अब क्या होते हैं,
फाइबर्स ऐसे हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं जिनके यूनिट्स में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यस, फाइबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें क्या हो, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जैसे कि आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये कहां देखने को मिलते हैं? जैसे हम बात करें यार प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स मैंने आपको बताया था कि जब बायोमोलिक्यूल्स में हमने बच्चों प्रोटीन्स पढ़ा था, तो प्रोटीन्स में हमने बोला था कि प्रोटीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ठीक है, सो प्रोटीन्स हमारे ऐसे नेचुरल पॉलीमर्स हैं विच कैन बी क्लासिफाइड एज फाइबर्स। और फाइबर का मतलब जैसे हमारे पास जैसे बाल होते हैं, तो बाल में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है एसेंशियली, है ना, वो भी क्या है, नेचुरल प्रोटीन है। तो यार ये तुम्हें फाइबर की तरह दिख रहा है। सिमिलरली जैसे हमने बच्चों नायलॉन 66 की बात करी, ठीक है, नायलॉन 66 का अगर मैं आपको जो है मोनोमरिक यूनिट बताऊं या रिपीटिंग यूनिट बनाऊं, तो इसका रिपीटिंग यूनिट क्या होता है, इसका रिपीटिंग यूनिट ऐसा हो जाता है कुछ, ठीक है, नायलॉन 6s का रिपीटिंग यूनिट आपका कुछ इस तरीके का हो जाता है। अब ध्यान से देखो यार, यहां पर ध्यान से देखो, नायलॉन 6s के अंदर ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहां पर जो ऑक्सीजन है, यहां पर जो ऑक्सीजन है, और इसी तरीके की दूसरी चेन, इसी तरीके की तीसरी चेन, इनमें तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, इनमें यह देखने को मिलेगा कि जो हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास हाइड्रोजन है, सपोज यहां पर हाइड्रोजन है, ये दूसरी चेन के किससे, सी डबल बॉन्ड ओ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है। नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो दूसरी चेन के सी डबल बॉन्डो से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये जो हमारे पास अमाइड वाला है इस सी डबल बॉन्डो से क्रिएट कर सकता है। सिमिलरली यहां पर कोई सी डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, इससे नीचे वाले का नाइट्रोजन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके से जो आपकी मल्टीपल चेन्स होती हैं, मल्टीपल चेन्स के बीच में, ठीक है, मल्टीपल चेन्स के बीच में क्या होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से ऑब्वियसली क्या होता है इनका, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से बच्चों इनका होता है क्रिस्टलाइन नेचर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से क्या होता है यहां पर, क्रिस्टलाइन नेचर होता है ना। इसका मतलब कि आप इनको क्रिस्टल्स के फॉर्म में, आप इनको क्रिस्टल्स के फॉर्म में जो है आइसोलेट कर सकते हो। जैसे प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स, और प्रोटीन्स को आप क्रिस्टल्स के फॉर्म में आइसोलेट कर सकते हो। ठीक है, सो दे कैन गेट क्रिस्टलाइन नेचर ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास इस तरीके से फाइबर्स और इलास्टोमर्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट बच्चों आते हैं हमारे पास थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक आता है। अब थर्मोप्लास्टिक की अगर हम बात करें, थर्मोप्लास्टिक की अगर हम बात करें, तो थर्मोप्लास्टिक्स बच्चों कुछ इस तरीके के पॉलीमर्स होते हैं जो कि अगर हीट किए जाएं, ठीक है, तो सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर उनको कूल किया जाता है तो हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कुछ इस तरह के पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, जिनको अगर हम हीट करते हैं सो ये सॉफ्ट हो जाते हैं ऑन हीटिंग, दे सॉफ्टन अप, एंड ऑन कूलिंग, ठीक है, कूल करने पर क्या होते हैं, दे हार्डन अप। ठीक है, सो ऐसे हमारे पास थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, राइट। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, दोज आर इन बिटवीन द इलास्टोमर्स एंड द फाइबर्स। इनके अंदर जो हमारे पास यूनिट्स होती हैं, पॉलीमरिक यूनिट्स,
हैव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन बिटवीन व्हाट इन बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स. जो फाइबर्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, जो इलास्टोमर्स होते हैं उनके अंदर बहुत वीक होते हैं. इन दोनों के बीच के अगर आपके फोर्सेस मिल रहे हैं ठीक है स्ट्रेंथ वाइज, तो वो हमें थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं. ठीक है एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जैसे बच्चों हमारे पास पीवीसी हो जाता है. पीवीसी ठीक है, पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. पीवीसी इज योर पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना. पीवीसी तुमने सुना होगा, पीवीसी तुमने सुना होगा, कहां सुना होगा पीवीसी तुमने सुना होगा. ठीक है पीवीसी तुमने क्या सुना होगा, पीवीसी जैसे कि पाइप्स होते है ना, घर के अंदर पाइप्स लगाए जाते हैं पीवीसी के पाइप्स है ना, सुना होगा पीवीसी के पाइप्स एडवर्टाइजमेंट में आता है. तो पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीविनाइल क्लोराइड ये जो हमारे पास पॉलीमर होता है, इनमें जो हमारे पास फोर्सेस होते हैं दोज आर इन बिटवीन, दोज आर इन बिटवीन व्हाट, दोज आर इन बिटवीन योर इलास्टोमर्स एंड योर फाइबर्स. ठीक है तो जो स्ट्रेंथ होती है वो इनके बीच में होती है, इसलिए ये हीट करने पर कूल, हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर इन्हें जो है कूल किया जाए तो वापस से हार्ड हो जाते हैं. सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कुछ इसके बीच के होते हैं. और नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. अब थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, थर्मोसेट जैसा कि यार ये नाम लिखा हुआ है इसी के अंदर इसका जो है सार छुपा हुआ है. थर्मोसेट, थर्मोसेट मतलब कि अगर आपने उसको एक बार हीट कर दिया तो वो सेट हो जाते हैं. ठीक है एक बार आपने उसको हीट करा तो वो सेट हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप उसको वापस हीट करोगे तो वो हार्ड का हार्ड ही बना रहेगा, वो सॉफ्ट नहीं होगा. ठीक है क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो. थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो होते हैं ये जब क्रिएट होते हैं ऑन क्रिएशन दे सेट इन अ पर्टिकुलर शेप एंड डू नॉट सॉफ्टन ऑन रीहीटिंग. अगर हम इन्हें वापस से हीट करते हैं, अगर हम इन्हें वापस से हीट करते हैं तो ये फिर वापस से आपके सॉफ्ट नहीं होते, जैसे थर्मोप्लास्टिक हो जाते हैं ना. तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ऐसे होते हैं कि एक बार आपने उसको बनाया, उसको कूल डाउन करा तो जिस फॉर्म में सेट हो गए उसमें सेट हो गए. वापस से अगर इसको हीट करोगे तो ऐसा नहीं है क्या वो क्या हो जाएगा, वापस से सॉफ्ट हो जाएगा, नहीं वापस से सॉफ्ट आपके पास नहीं होता. इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि यार इसके अंदर होती है हमारे पास बहुत हाई क्रॉस लिंकिंग. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर. ठीक है तो जो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं हमारे पास, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं, दे कैन बी ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. जो हमारे पास क्रॉस लिंक होते हैं उनको हम थर्मोसेटिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है उनको क्या बोल सकते हैं, थर्मोसेटिंग भी बोल सकते हैं. बात समझ में आ रही है, ठीक है. सो थर्मोसेटिंग का जो एग्जाम्पल है जैसे बेकेलाइट है वही हमारे पास क्या हो गया, थर्मोसेटिंग भी हो गया. ठीक है वो क्या हो गया, थर्मोसेटिंग भी हो गया. बात समझ में आ गई. तो ये बच्चों हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन व्हाट द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि आपके मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन से हैं उसके बेसिस पे हमने यहां पर क्लासिफाई करा. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यार नेचर ऑफ मोनोमर्स. ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मोनोमर्स. नेचर ऑफ मोनोमर्स के बेस पे हम क्या बोलते हैं, वी हैव समथिंग कॉल्ड होमोपॉलीमर्स एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड कोपॉलीमर्स. ठीक है होमोपॉलीमर वो पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर मोनोमरिक यूनिट जो है आपकी है ना वो एक ही है, एक का मतलब एक ही टाइप का मॉलिक्यूल जो है वो मोनोमरिक यूनिट का काम करेगा. होमोपॉलीमर्स वो होते हैं जिनके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एक्ट्स एज, ठीक है एक्ट्स एज व्हाट, एक्ट्स एज और एक्ट्स एज मोनोमर.
इसका एग्जांपल जैसे अभी हम इतनी देर से देख रहे हैं पॉलीथीन्स, तो पॉलीथीन्स कैसी होती है, पॉलीथीन किससे बनी होती है, इथीन से, ठीक है। तो अगर हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल है उससे पॉलीमराइजेशन से क्रिएट होता है पॉलीथीन, यहां पर आपका और कोई भी मॉलिक्यूल नहीं आया, यहां पर आपका कोई भी और मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, कोई भी और मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है, यस। इसके अपोजिट हमारे पास होते हैं बच्चों कुछ कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा टाइप के आपके मोनोमर हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर हो सकते हैं। तो वी हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमरिक मॉलिक्यूल्स। इसका भी एग्जांपल हमने देख ही लिया, इसका भी एग्जांपल हमने देख लिया, जैसे नायलॉन 6,6 है, नायलॉन 6,6 है। तो नायलॉन 6,6 हमने कैसे बनाया, नायलॉन 6,6 हमने बनाया हेक्सामिथाइलिन 1,6 डायमीन और एडिपिक एसिड से, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, दो अलग टाइप के मोनोमर्स हैं, उसमें क्या है, दो अलग टाइप के मोनोमरिक यूनिट्स हैं। सो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, दो अलग टाइप के मोनोमरिक यूनिट्स, ये अगर हमारे पास पॉलीमर क्रिएट करते हैं तो वो को पॉलीमर की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहां रख सकते हैं, को पॉलीमर की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। तो यार ये हमारे पास क्या है, एडिपिक एसिड 1,6 डायमिथाइलिन हेक्सामिथाइलिन डायमीन, और इससे बनने वाला हमारे पास क्या हो गया, यहां पर इससे बनने वाला हमारे पास ये हो गया, ठीक है। सो नायलॉन 6,6 इज एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर, उसमें एक से ज्यादा टाइप के मोनोमरिक यूनिट्स आपके पास बन रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बच्चों हमारे पास हो जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब कि जो पॉलीमराइजेशन मैंने आपको दिखाया ना स्टार्टिंग में, कि हमारे पास पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो है पॉलीमर्स क्रिएट होते हैं, तो वो जो पॉलीमर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है वो दो टाइप से हो सकती है, या तो एडिशन पॉलीमर्स हो सकते हैं या फिर हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर्स हो सकते हैं, ठीक है, या तो क्या हो सकते हैं, एडिशन पॉलीमर्स या कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में कहां डिफरेंस आता है, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में यहां डिफरेंस आता है यार, यहां पर आपका जो है पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड क्रिएट होते हैं, और आपका कोई भी यहां पर किसी भी एटम या पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता। ध्यान से देखो कैसे, सो व्हेन मोनोमरिक यूनिट्स कंबाइन देयर इज नो एलिमिनेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। अगर इस तरीके से आपका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हुई है तो हम बोलेंगे यार एडिशन पॉलीमर जो है वो क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पॉलीथीन की बात करी, तो पॉलीथीन के अंदर हमारे पास क्या हो गया, पॉलीथीन के अंदर हमारे पास सिर्फ क्या हुआ, इस कार्बन ने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा, एक लेफ्ट साइड पे बॉन्ड बना लिया, एक राइट साइड पे बॉन्ड बना लिया, ठीक है, यही हमारे पास चीज हुई, यस। बट अगर मैं बात करता हूं बच्चों कंडेंसेशन पॉलीमर की, तो कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है, जब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है उसमें मोनोमरिक यूनिट एक दूसरे से कंबाइन होती हैं, देन देयर इज एन एलिमिनेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। एक छोटा मॉलिक्यूल आपका वहां पर एलिमिनेट होता है, अगर छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो आप बोलोगे कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे हमारे पास नायलॉन 6,6 हो जाएगा, सो व्हेन मोनोमरिक यूनिट कंबाइन इट इज अकंपेन्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल और ग्रुप। एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप और एटम, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, तो जैसा मैंने तुम्हें बताया नायलॉन 6,6 इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नायलॉन 6,6 के अंदर देखो क्या हुआ, नायलॉन 6,6 में जब हमने बोला कि यार हमारे पास हेक्सामिथाइलिन डायमीन ये कंबाइन हो रहा है,
ठीक है, ये हमारे पास कंबाइन हो रहा है। तो ध्यान से देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और जो अमीन ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और जो अमीन ग्रुप है, उसके अंदर एक नया बॉन्ड क्रिएट होगा। ये बॉन्ड क्रिएशन कैसा है, ये बॉन्ड क्रिएशन कुछ इस तरीके से है कि यहां पर जो हमारे पास OH है और यहां पर जो हाइड्रोजन है, ये बच्चों यहां पर क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे। ठीक है, किसके फॉर्म में निकल जाएंगे, हमारे पास H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे। तो यहां पर क्या क्रिएट होगा, यहां पर हमारे पास क्रिएट होगा NH2CH26NH और ये हो गया हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH24 एंड COH। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, हमारे पास अमाइड फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है हमारे पास यहां पर, अमाइड फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर एक छोटा मॉलिक्यूल H2O निकल रहा है और क्या क्रिएट कर रहा है, यहां पर एक अमाइड क्रिएट कर रहा है, न्यू अमाइड लिंकेज। ठीक है, इसी तरीके से ये जो लेफ्ट वाला नाइट्रोजन है, ये एक दूसरे एडिपिक एसिड के मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा। ठीक है, और ये वाला जो OH है, ये राइट साइड पे एक दूसरे हेक्सामेथाइलीन डायमीन से ज्वाइन होगा। इस तरीके से आपके पास लेफ्ट साइड पे एक और यूनिट आ जाएगी, राइट साइड पे आ जाएगी, फिर लेफ्ट के लेफ्ट पे और आ जाएगा, फिर आपके राइट साइड पे और आ जाएगा, और इस तरीके से आपके पास क्या है, यूनिट जो है वो बढ़ती जाएगी। इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से हमारे पास यूनिट जो है वो बढ़ती जाएंगी। बात क्लियर है, ठीक है, क्लियर अबाउट दिस। सो गाइस यहां पर हमारे पास हम बोल रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के टाइम पे छोटे वाटर मॉलिक्यूल या कोई और दूसरे ग्रुप्स या मॉलिक्यूल्स हमारे पास एलिमिनेट होते हैं। इसमें दूसरी चीजें भी हो सकते हैं, जैसे मीथेनॉल भी एलिमिनेट हो सकता है, इथेनॉल भी एलिमिनेट हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने इनिशियल मॉलिक्यूल्स क्या लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमाइड अगर हमें क्रिएट करने हैं, तो जैसे बच्चों हमारे पास एक एग्जाम्पल ये हो गया कि हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये वाला लेके चल रहे हैं। इसकी जगह अगर मैं एस्टर लेके चलता हूं, ठीक है, इसकी जगह अगर मैं एस्टर लेके चलता हूं, तो एस्टर्स के अंदर क्या होता है, एस्टर्स के अंदर भी सिमिलर सी हमें क्या देखने को मिल सकती है, रिएक्शन देखने को मिल सकती है, ये वाली। ठीक है, इससे क्या क्रिएट होगा, इससे हमारे पास क्रिएट होगा ये अमाइड लिंकेज नया, प्लस एक छोटा मॉलिक्यूल CH3COH एलिमिनेट होगा। ठीक है, छोटा मॉलिक्यूल CH3OH हमारे पास एलिमिनेट होगा। तो इस तरीके से बोलेंगे यहां पर भी क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। इस तरीके से यहां पर भी हमारे पास क्या हो रहा है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर अबाउट दिस। चलिए, सो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों इसके अंदर आता है कि अब जो मैंने आपको बताया कि यार पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो किस किस टाइप से हो सकती है, है ना, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमारे पास किस किस टाइप से हो सकती है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि जो पॉलीमर्स बनते हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है कि जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो कैसी कैसी हो सकती है, उसका क्या क्या कैटेगराइजेशन होता है, किस किस टाइप से आपको रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। दिस रिएक्शन आपको दिख रहा होगा यार, यहां पर जो है ना आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको लार्जली किसके मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे, कार्बन के मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे। तो लार्जली ये आपके पास जो रिएक्शन है बच्चों वो ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। लार्जली ये जो रिएक्शंस हैं वो ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। ऑर्गेनिक में हमने रिएक्शंस मैकेनिज्म पढ़ रखे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या पढ़ रखा है कि आपके पास फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट हो सकता है, या कैटायन इंटरमीडिएट हो सकता है, या एनायन इंटरमीडिएट हो सकता है ना। हमने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ रखा है कि यार जो हमारे पास रिएक्शन होती है उनमें सर्टन टाइप ऑफ इंटरमीडिएट क्रिएट हो सकते हैं, फ्री रेडिकल क्रिएट हो सकता है, कैटायन क्रिएट हो सकता है, और कार्बेनाइन क्रिएट हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर, ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो यह जो हमारे पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है उसमें आपको फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट देखने को मिल सकते हैं, कैटायनिक इंटरमीडिएट देखने को मिल सकते हैं, और एनायनिक इंटरमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही है तो किस तरीके से होगी, है ना, ध्यान से देखो, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं।
जैसे अगर हमें बच्चों इथीन से पॉलीथीन बनाना हो, इथीन से पॉलीथीन बनाना हो तो उसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू करा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम इथीन मॉलिक्यूल जब लेते हैं साथ में क्या लेते हैं, हम कुछ इनिशिएटर्स लेते हैं। जैसा कि आपने बच्चों फ्री रेडिकल रिएक्शंस में पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनिक में जब हमने फ्री रेडिकल रिएक्शन पढ़ी तो फ्री रेडिकल रिएक्शन कराने के लिए हम करते क्या है, हाई टेम्परेचर करते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर रखते हैं और कुछ इनिशिएटर्स का यूज करते हैं। इनिशिएटर्स हमारे पास कैसे हो सकते हैं, इनिशिएटर्स हो सकते हैं जैसे हमारे पास परोक्साइड होते हैं, है ना, परोक्साइड हमारे इनिशिएटर्स का काम करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस इनिशिएटर, ठीक है, यहां पर देखो ये हमारे पास इनिशिएटर का काम कर सकता है। यहां पर ध्यान से देखो आपके पास क्या है, परोक्सी बॉन्ड है बच्चों, ठीक है। इसको अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखें या फिर इसको हीट करें तो आपको बताया बच्चों परोक्सी बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। परोक्सी बॉन्ड क्या होते हैं हमारे पास, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। परोक्सी बॉन्ड ब्रेक होने से क्या बनाते हैं हमारे पास, रेडिकल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, रेडिकल्स क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास बेंजोइल परोक्साइड है, ठीक है, इस तरीके से जो हमारे पास बेंजोइल परोक्साइड है वो हमारे पास हीट करने पर क्या क्रिएट करता है, रेडिकल्स क्रिएट कर सकता है। अब ये रेडिकल्स हम किसकी तरह काम में लेते हैं, इनिशिएटर्स की तरह काम में लेते हैं। तो दिस इज एन इनिशिएटर, ठीक है। सो हमने क्या करा कि एक इनिशिएटर लिया और उसको इथीन मॉलिक्यूल के साथ हीट करा, ठीक है, दिस प्लस इनिशिएटर जो कि हमने क्या करा स्मॉल अमाउंट में लिया, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में इनिशिएटर लिया, खूब सारा इथीन लिया और उनको साथ में जो है हमने हीट करा। इससे क्या होगा, पहले इनिशिएटर हमारे पास ब्रेकडाउन हो जाएगा रेडिकल के फॉर्म में, ये रेडिकल क्या करेगा, ये रेडिकल आपके इथीन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर एक नया रेडिकल जनरेट करेगा, ठीक है। सो यहां पर जो हमारे पास पीएच सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल है वो इससे कंबाइन होके, ठीक है, क्या जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ओ सी सी रेडिकल, यस। अब क्योंकि देखो हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल एक्सेस में है और ये स्मॉल अमाउंट में है तो अब ये वाला जो नया रेडिकल जनरेट हुआ है ये क्या करेगा, दूसरे इथीन मॉलिक्यूल पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। किस तरीके से, यहां पर वापस से आपका ये जो रेडिकल है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ये रेडिकल कुछ इस तरीके से जाएगा और एक क्या करेगा नया रेडिकल यहां पर जनरेट करेगा, ठीक है, क्या करेगा यहां पर नया रेडिकल जो है वो जनरेट करेगा। बात समझ में आ रही है, तो यहां पर देखो क्या होगा पीएच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी 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 रेडिकल। अब ये नया रेडिकल जनरेट हुआ, ये इसी तरीके से और मॉलिक्यूल्स को अटैच कर लेगा अपने साथ, ठीक है, इसी तरीके से और मॉलिक्यूल्स को अटैच कर लेगा। तो ओवरऑल तुम्हारे पास क्या है, ये यहां पर इनिशिएशन हो गया हमारे पास, ये इनिशिएटर्स के थ्रू चेन इनिशिएशन हो गया। और आपको बताया बच्चों फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो होती है उसके अंदर हमारे पास तीन स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। ये हमारे पास क्या था, इनिशिएशन स्टेप था, ये हमारे पास प्रोपोगेशन स्टेप है। प्रोपोगेशन स्टेप्स जो है वो आपका हंड्रेड टू थाउजेंड टाइम्स रिपीट होते हैं और एंड में जाके आपका क्या होता है वहां पर एक टर्मिनेशन स्टेप आ जाता है। तो टर्मिनेशन स्टेप आने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, एक पॉलीथीन की बड़ी सी यूनिट क्रिएट हो जाएगी जिसमें क्या होगा, जिसमें एंड में आपके पास ये लगा हुआ होगा, ठीक है, जिसमें एंड में क्या है ये आपके पास लगा हुआ होगा। तो ये आपके पास बड़ी सी यूनिट यहां पर जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर अबाउट दिस। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये जनरेट होता है। इसी तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर और भी चीजें हो जाती हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमें यह भी देखने को मिलता है कि जब हम इस इनिशिएटर का यूज करते हैं, ठीक है, इसको हाई टेम्परेचर पे जब रखते हैं तो हमें और भी यहां पर रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। क्या रिएक्शन देखने को मिलती हैं, जैसे हमारे पास ये भी हो जाता है पीएच सीओओ रेडिकल जो है, ठीक है, ये हीट करने पर हमारे पास एक दूसरा रेडिकल भी जनरेट कर सकता है, ये रेडिकल जनरेट कर सकता है इस तरीके से पीएच रेडिकल प्लस सीओ, ये भी हमारे पास क्या है, ये पीएच रेडिकल है। अब ये इनिशिएटर का काम करेगा,
ठीक है, ये जो पीएच रेडिकल है ये अब हमारे इनिशिएटर का काम करेगा। ये पीएच रेडिकल इथीन मॉलिक्यूल से ज्वाइन होके सी डबल बॉन्ड सी इस तरीके से बना देगा, एंड सो ऑन आपकी रिएक्शन जो है वो चलती जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का तरीका। फिर और क्या तरीके हो सकते हैं? केटायोनिक तरीके भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं। फ्री रेडिकल के अंदर हमने बोला कि यार जो हमारे पास इंटरमीडिएट्स क्रिएट हो रहे हैं रेडिकल हैं, तो केटायनिक तरीके में क्या होंगे? केटायनिक मैकेनिज्म के अंदर जो हमारे पास बीच में इंटरमीडिएट्स क्रिएट होंगे वो केटायनिक होंगे। अब केटायनिक इंटरमीडिएट कैसे क्रिएट हो सकते हैं? केटायनिक इंटरमीडिएट ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, वापस से मैं पॉलीथीन बता रहा हूं, पॉलीथीन बनना बाय केटायनिक मैकेनिज्म। सो पॉलीथीन जो है बच्चों वो हमारे पास केटायनिक तरीके से भी बनाए जा सकते हैं। सो देखो ध्यान से क्या होगा, PHSO3H हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यहां पर सी डबल बॉन्ड सी है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या रिलीज करेगा? H प्लस रिलीज करेगा। ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है वो आपका क्या करता है, ये जो H प्लस है वो इस डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है। ठीक है, क्या करता है? डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है। इससे आपको क्या मिलेगा? PHSO3- मिलेगा, साथ में इस तरह का केटायनिक इंटरमीडिएट मिलेगा। ठीक है, ये केटायनिक इंटरमीडिएट फिर दूसरे पॉलीथीन पे अटैक करेगा, सॉरी दूसरे इथीन पे अटैक करेगा और क्या क्रिएट कर देगा? ये क्रिएट कर देगा सी 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 एंड सो ऑन। फिर ये हमारे पास दूसरे पे अटैक करेगा, ठीक है, और क्या क्रिएट कर देगा? ये क्रिएट कर देगा एंड सो। इस तरीके से आपका जो है केटायनिक मैकेनिज्म जो है वो चलता जाता है, एंड अल्टीमेटली आपके पास यहां पर बहुत सारे स्टेप्स होंगे, ठीक है, और उसके बाद एक लंबी सी पॉलीथीन की चेन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? केटायनिक मैकेनिज्म हो गया। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास एनायनिक मैकेनिज्म भी हो सकता है, इसी तरीके से एनायनिक मैकेनिज्म भी हो सकता है। एनायनिक मैकेनिज्म में हमें क्या देखने को मिलेगा? एनायनिक मैकेनिज्म में हमें यह देखने को मिलेगा कि यार वहां पर इंटरमीडिएट एनायन क्रिएट होता है। यह कैसे होता है? इसको जैसे हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये जो बच्चों हमारे पास मोनोमेरिक यूनिट होती है, दिस इज योर एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, और इससे क्रिएट होने वाला जो हमारे पास पॉलीमर होता है वो होता है हमारे पास कॉमनली नोन एज ऑर्लॉन या फिर पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में हमें एनायनिक मैकेनिज्म जो है वो देखने को मिल सकता है। कैसे मिलेगा? तो फॉर एग्जांपल यहां पर हम क्या करते हैं, इनिशिएटर जो है वो कुछ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लेके चल लेते हैं, ठीक है, ब्यूटाइल का लिथियम के साथ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है आपको पता है कि क्या करता है, इसमें बीयू माइनस होता है, एलआई प्लस होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बीयू माइनस होता है एंड एलआई प्लस होता है, यस। अब यहां पर C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे जब ये वाला मॉलिक्यूल डालते हैं तो क्या होता है, ये माइनस इस पे अटैक कर देता है और ये इसको इस एनायन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या मिल जाएगा यहां पर, C डबल बॉन्ड C, CN माइनस। अब ये जो है हमारे पास फर्दर इस रिएक्शन को आगे लेके जाएगा। यहां पर एक C डबल बॉन्ड C है, वापस से हम यहां पर नेगेटिव चार्ज का अटैक करा देते हैं इस जगह पर, ये हमारे पास यहां चला जाएगा, क्या क्रिएट कर देगा, ये हमारे पास क्रिएट कर देगा BU C C C N C C C N एंड। अब ये पर्टिकुलर केस मैं क्यों बता रहा हूं, ये पर्टिकुलर केस इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ध्यान से देखो यहां पर बच्चों जो C ट्रिपल बॉन्ड N है ये हमारे पास क्या है, एक माइनस एम ग्रुप है ना, तो माइनस एम ग्रुप के पास हम एनाइन जो है वो आराम से क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप्स के पास हम माइनस एम माइनस जो ये है नेगेटिव चार्ज वो क्रिएट कर सकते हैं माइनस एम ग्रुप के पास, इसलिए मैंने यहां पर ये वाला एग्जांपल लिया है। एक्राइलोनाइट्राइल से पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बनाने के लिए हम एनायनिक मैकेनिज्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। सो यहां पर बच्चों हमारे पास इस तरीके से फ्री रेडिकल, ठीक है, कैटायोनिक और एनायनिक मैकेनिज्म, ये हमारे पास यूज हुआ, ये हमने यहां पर समझा।
ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या है क्लासिफिकेशन सीखा है और मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके से होते हैं ये सीखे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम जो एक्चुअल पॉलीमर्स हैं वो सीखेंगे, कौन से पॉलीमर्स कौन से यूनिट से बने होते हैं। आज भी हमने कुछ एग्जांपल करे, इस तरीके से कल एग्जांपल और करेंगे, पूरा इस चैप्टर को कवर करेंगे। बहुत सारे आपके जो हैं यहां पर आपको चीजें जो हैं पॉलीमर्स के रिस्पेक्ट में याद रखनी पड़ती हैं और ये आपके एडवांस तक में आता है ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास नॉर्मल टाइमिंग है, उसके अलावा 11:30 AM पे तो आते ही हो। और liveDaily.me/JEE ये बच्चों आपके लिए एक ऐसा लिंक आपकी अनअकैडमी JEE ने टीम क्रिएट कर दिया है जिसपे आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आप इस लिंक को यूज करके अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये लिंक पे अगर जाओगे तो देखो इस तरह का पेज खुलेगा, ये एक वीडियो बुक है तुम्हारी, ठीक है। ये क्या एक वीडियो बुक है और इस वीडियो बुक में तुम्हारी ITJEE की प्रिपरेशन का पूरा मटीरियल है। इसके अलावा अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें अनअकैडमी JEE टीम से जो है लाइव क्लास एनवायरमेंट में पढ़ना है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है पढ़ के फायदा ऑलरेडी उठा रहे हैं, तो तुम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। तो यार ये जो आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है ये हमारे इन वाले लेक्चर्स पे थोड़ा क्या होता है एड ऑन फीचर हो जाता है। एड ऑन फीचर कैसे हो जाता है, एड ऑन का मतलब कि यार वहां पर लाइव क्लास एनवायरमेंट में तुम्हें इंटरैक्शन का तरीका भी मिल जाता है, जिससे तुम्हारा क्या होगा, जिससे तुम्हारा जो प्रिपरेशन है लेवल वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। लाइव क्लास एनवायरमेंट में बच्चों आपके जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको क्लास एनवायरमेंट की जरूरत नहीं है तो आप सिर्फ हमारा YouTube चैनल से भी अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है यहां पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेके हमसे लाइव क्लास एनवायरमेंट में भी पढ़ सकते हैं। और यहां पर जो आपकी पूरी अनअकैडमी JEE की टीम आपको लाइव क्लास एनवायरमेंट में पढ़ाती है, उसके साथ साथ और भी इंडिया की टॉप फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ा रही है, ठीक है। बहुत सारे फायदे हैं इसके, बहुत सारे फायदे ये हैं कि आपको यहां पर इतने सारे जो टीचर्स हैं उनमें ऑप्शन मिल जाता है यार आप किससे पढ़ना चाहते हो। साथ ही यार अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें जो है इंडिया के अंदर बेस्ट पॉसिबल रैंक लेके आना है तो तुम्हें क्या कंटिन्यूअसली टेस्ट सीरीज जो है वो भी देनी पड़ती है। तो टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होता है, टेस्ट सीरीज के अंदर तुम्हें रेगुलर टेस्ट देके पता लगता है कि तुम्हारी तैयारी एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट कैसी हो रही है, वो भी तुम्हें बच्चों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। और ये सारे के सारे फीचर्स हैं ऑब्वियसली आपको क्या करते हैं और अपना रैंक इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप जो है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप पे जाना है, वहां पर ऐप पे जाके आपको देखो प्लस सेक्शन में जाना होता है, ITJEE में जाना होता है, फिर आपको गेट सब्सक्रिप्शन लिंक पे जाना होता है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कितने टाइम का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो। सो यू हैव शॉर्ट टर्म सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। शॉर्ट टर्म सब्सक्रिप्शन उनके लिए है जो अपना क्या करना चाहते हैं, जो अपना बस फाइनल 2021 के अंदर जैसे है ना फाइनल एग्जाम अपना देना चाहते हैं। और अगर आपको लग रहा है नहीं आपके पास एक साल है पूरा तैयारी का या दो साल है तैयारी का, तो आपको लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन लेके जो है वो पढ़ाई अपनी करनी चाहिए। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले गाइस अनुपम लाइव कोड जो है वो जो आप यूज कर सकते हैं। सो अनुपम लाइव कोड अगर आप यूज करते हैं व्हाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन, इससे हमारी जो है बॉन्डिंग और बढ़िया होती है। हमारी बॉन्डिंग बढ़िया होने का मतलब कि आप जब हमारे क्लास में आएंगे लाइव क्लास एनवायरमेंट में तो हमारा इंटरेक्शन जो है और बढ़िया हो जाएगा। साथ ही अनुपम लाइव कोड यूज करने से बच्चों आपको मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है अपने सब्सक्रिप्शन कॉस्ट के ऊपर। सो अनुपम लाइव कोड यूज करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे बैचेस हमारे बच्चों यहां पर चल रहे हैं। सो वी हैव मंजिल बैच अनअकैडमी JEE टीम का और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी है बच्चों यहां पर। अगर आपको जो है प्रिपरेशन अपनी 11th 12th और जो है ITJEE की वो तीनों की तीनों साथ में करनी है, ठीक है, तो फिर आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना चाहिए। इसके अंदर 11th 12th और ITJEE की कंप्लीट तैयारी आपकी होती है। सो यू हैव एक्सेस टू मटेरियल जिसमें आप बोर्ड की प्रिपरेशन भी करेंगे, साथ ही आप ITJEE की प्रिपरेशन भी करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास बैचेस है बच्चों और भी हमारे बैचेस जो है आरएम बैच, मेगा बैच, लेजेंड बैच, ये हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। इनमें आप जो है पार्टिसिपेट करके, मतलब इन बैच को ज्वाइन करके है ना, आप जो है अपना रैंक और इंप्रूव करना चाहें कर सकते हैं। उसके साथ ये जो अनअकैडमी JEE चैनल है ये तो एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे, ठीक है, जिससे आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिली रही है। तो यार इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर डालो और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो, ठीक है गाइस। चलिए बाय एवरीवन।